चार दिनों से मौसम के बिगड़े मिजाज और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बुधवार और गुरुवार को दिन भर रिमझिम बारिश होती रही और बारिश के चलते जिले के धान खरीदी केंद्रों में ताला लटका रहा और धान नहीं खरीदा गया। प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के चलते किसान खासे परेशान दिखे। शुक्रवार को मौसम के मिजाज को देखते हुए ताला खुलने की उम्मीद भी नहीं दिखाई दी। भाई टोकन मरा थन एक हफ्ता पहली से मतलब जारी हो ऐसे के मालूम हो ओकर बाद दो चार बेर आए ओकर बाद मिलबे नहीं करी अभी भी नहीं मिले हमारा टोकन। तक को टोकन यहाँ धान काकर काकर दिखा थे अभी तीन गांव की प्रसिद्ध दिखा थे। के गांव थी हम यहाँ 16 गांव थे। पूरे बेमेतरा जिले में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि आज मौसम खराब है तो आज पूरे बेमेतरा जिले में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है। किसान पूरे किराए भाड़े करके ट्रैक्टर से लेकर आए हैं, सबको मना कर रहे हैं कि वापस लेके जाओ या अपने रिक्शे पे यहाँ पे छोड़ सकते हो करके। आज किसान एक एक रुपया के लिए त्राही त्राही है और आने वाले समय में कहीं सुधार नहीं हुआ तो आपको ये देखने को मिलेगा। इनके द्वारा किसानों के द्वारा भुखमरी और बहुत सारी परेशानी आएगी। इसके पूरा जवाबदार ये शासन प्रशासन और ये प्रदेश की सरकार को लेना पड़ेगा। सिवनी मालवा में बिजली विभाग की